दोस्तों अगर आप एक 50,000 के आसपास का परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि यार एक 50,000 का लैपटॉप मुझे मॉडर्न गेम्स में क्या परफॉर्मेंस देगा अगर आपकी ये थिंकिंग है देन इस वीडियो को देखने से पहले आई कार्ड में एक लिंक फ्लैश हो रही है वो वीडियो देखो उस वीडियो में आपको उस वीडियो को देख के आपको फिफ्टी के आसपास के लैपटॉप की परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा एंड अगर शॉर्ट में बताऊँ देन दोस्तों फिफ्टी के बजट के लैपटॉप में आपको आजकल डिसेंट स्पेक्स मिलते हैं एंड टेन एडीपी लो टू मीडियम सेटिंग की गेमिंग साथ ही लेवल की टेन एडपी एडिटिंग इस प्राइस के लैपटॉप आपको कराने की क्षमता रखते हैं दोस्तों इन दिस वीडियो में आपको बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ऑप्शन बताने वाला हूँ जो की आप फिफ्टी थाउजेंड के आसपास के प्राइस पॉइंट पर खरीद सकते हो एंड इन एल डी ट्वेंटी ट्वेंटी गेमिंग थाउजेंड के आसपास आपको बेस्ट वैल्यू ऑफर करते हैं लिस्ट शुरू करते हैं के टफ गेमिंग से दोस्तों लिस्ट में पांचवे नंबर पे आता है टफ टेमिंग एफ्टी लैपटॉप एक काइंड ऑफ रफ एंड टफ लैपटॉप है एंड भारी भी काफी है टू पॉइंट थ्री के जी के आसपास का वेट है ओवरऑल लुक्स के मामले में टफ गेमिंग यार काफी से लगता है Ryzen 5, 4600H चिपसेट इस लैपटॉप में आपको मिलता है छह कोर्स एंड बारह थ्रेड्स वाला चिपसेट है एट जीबी चैनल डी

ट इस लैपटॉप का थोड़ा वीक प्राइस के हिसाब से बाकी एवरी थिंग एक रफ एंड प्रॉपर गेमिंग लुक वाला टफ गेम बेस्ट ऑप्शन का ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा और दोस्तों, लिस्ट में आपको जितने भी गेमिंग लैपटॉप बता रहा हूँ इन सब की बाइंग डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी सो यू कैन चेक इफ यू आर गेमिंग यारेपटॉप की कैटेगरी में आता है एंड आठ कोर साथ ही बार थ्रेड वाला चिपसेट इस अपकमिंग लैपटॉप में आपको मिलता है किलो आठ सौ ग्राम के आसपास का लैपटॉप कम्स

हमें चाहिए पोर्टेबिलिटी वो इस लैपटॉप में है यार वन पॉइंट एट के जी का वेट है इंडीडी लैपटॉप पोर्टेबल है थर्मल्स की आपको चिंता नहीं करनी बिकॉज ज्यादा हंग्री जीपीयू सीपीयू है नहीं इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी बहुत सही है सीपीयू तो टॉप नॉच है इज जीपीजो डिसेंट मेरे क्रिएटिव दोस्तों के लिए पांच हजार रुपए महंगा एक्जेक्टली फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का लैपटॉप आपको मिलेगा दोस्तों ये यार एक कॉम्बो है ना तो इस लैपटॉप आपको प्रॉपर गेमिंग लुक्स हैं और ना ऑफिस लुक्स वाला लैपटॉप है और दोनों काम्बो लुको आई एपेड आपको ऑफर करता है ही इस लैपटॉप में, में आपको एट जीबी की सिंगल चैनल रैम है का आप सिक्सटीन तक अपग्रेड कर सकते हो फाइव हंड्रेड आपको मिलती है एस एस डी एस एस लैपटॉप में सैडली अपग्रेडेबल नहीं है बट आप टू टीबी तक की एच डी डी लैपटॉप में रेट्रोफिट कर सकते हो इस लैपटॉप में आपको जीटी एक्सटी फिफ्टी जी मिलता है एक प्रॉपर आईपीएस पैनल डिस्प्ले वाला लैपटॉप है रिफ्रेश रेट आपको 120 की मिलती है इस लैपटॉप में आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलती है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आप इतना समझो की आपका मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड लैपटॉप ज्यादा रफ एंड टफ है यार ओवरऑल एक काफी अच्छा लैपटॉप है बट मेरे हिसाब से दो कमियां है सबसे पहली तो है लुक्स की अब वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है बट मेरे हिसाब से यार एक गेमिंग लैपटॉप में गेमिंग लुक्स तो मिलनी चाहिए एंड दूसरी एक माइनर कमी है रिफ्रेश रेट की वन ट्वेंटी हर्ज के आपको रिफ्रेश रेट मिलती है एंड इस प्राइस में आराम से वन फोर्टी फोर हर्ज रिफ्रेश रेट वाले गेमिंग लैपटॉप अवेलेबल है बट यार ये सही में

इस लैपटॉप में आपको मिलता है जो की है एम का आर एस डबल फाइव डबल जीरो एम जीपी हालांकि जीपीटी फिफ्टी पांच ऐसी दस परसेंट तक डेफिनेटली बेटर है बट यहाँ एक दोस्त आता है अच्छा जीपी देकर इस लैपटॉप में कॉस्ट कटिंग करी है डिस्प्ले में हालांकि डिस्प्ले कलर एक फुल एच डी आई पी पैनल डिस्प्ले मिलता है बट रिफ्रेश रेट केवल की एंड फ्रॉम माई साइड इट्स कॉन पावरफुल जीपी का मतलब क्या हुआ जब रिफ्रेश रेट

पावर एफिशिएंसी में आई फाइव इलेवन फोर हंड्रेड एच एक अपर हैंड होल्ड करता है एट जीबी मिलती है डी डी आर फोर राम अपग्रेडेबल है जीबी तक मिलती फाइव हंड्रेड SSD जीबी की मिलती है SSD, 1TB तक आप एस एस डी लगा सकते हो एंड टू टीबी तक की एच डी डी का मौजूद है यार दिस नहीं करी गई. इस लैपटॉप में आपको फिफ्टी पॉइंट इंच का फुल एच डी लेवल डिस्प्ले मिलता है एंड रिफ्रेश रेट भी वन फोर्टी फोर हज की हैल एक बहुत ही अच्छा भी आपको मिलता है इन सब चीजों के साथ एमसआई की ब्रांड वैल्यू है एंड ये लैपटॉप केवल ट के जी का है एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से इस लैपटॉप का वेट भी काफी एक्सेप्टेबल है परफेक्ट लैपटॉप जो कि आप एक्जैक्टली फिफ्टी टू थाउजेंड रुपीज का खरीद सकते हो सर so, दोस्तों आपको फिफ्टी थाउजेंड के आसपास में मिलने वाले सभी गेमिंग लैपटॉप के बेस्ट ऑप्शन बता दिए फाइनल रिकमेंडेशन दू दे आपको अगर एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप चाहिए बट अगर आपको लैपटॉप चाहिए मेनली एडिटिंग के लिए नंबर फोर वाला एसरएस है बाकी यार सभी को बता चुका सभी लैपटॉप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी Baha say you can check these out. For now, those though, that's it for today's video. And as always, I will meet you in the next one.